ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 24 अप्रैल 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:10 हो रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा काफी निफ्टी इंडेक्स में फिर से एक बार तेजी बरकरार रही, और जो 3 दिन पहले एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तभी एक जो गैप क्रिएट हुआ था वो गैप अभी फिल हो चुका है। कल और एक न्यूज थी, कल एक अमेरिकी फार्मा कंपनी जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर ड्रग्स बनाने में जुटी थी। कल उनका फर्स्ट ट्रायल था ह्यूमन के ऊपर, वो फेल हो चुका है। तो वहां पर यूएस के मार्केट में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज और एक थी, यूके में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है वो अभी ह्यूमन ट्रायल शुरू करने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खबर है। हालांकि यूएस मार्केट में कल साफ तौर पे देखा गया, ये फर्स्ट ट्रायल जो था ये फेल होने के बाद वहां पर इस फार्मा कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे जो न्यूज है उनके ऊपर भी फोकस रहे, ऐसे माहौल में ऐसे स्टॉक्स पिक करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट उन कंपनीज को अलाउ कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जो ह्यूमन लोगों के लिए काफी जरूरत है। अभी देखिए इस पूरे माहौल में फार्मा सेक्टर काफी डिमांड में है, तो फार्मा स्टॉक्स काफी बूम कर रहे हैं। दूसरी जगह पर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, नेटफ्लिक्स देखे है, अमेजोन प्राइम देखे, वहां पर नए क्लाइंट्स नए कस्टमर जुड़ रहे हैं। तो यूएस मार्केट में नेटफ्लिक्स का शेयर भी तेजी से दौड़ रहा है आगे। तो ऐसे जो सारी कंपनीज हैं उसके ऊपर फोकस करें, जहां पर इन फेज में इनकी जरूरत काफी बढ़ जाएगी लोगों में, और लोग इसे काफी यूज करेंगे उनके प्रोडक्ट्स को। तो अभी एफएमसीजी सेक्टर है जो खाने पीने की चीजें बनाती है, वेफर्स है, बिस्किट्स है, ऐसी कंपनीज भी काफी डिमांड में है, क्योंकि अभी इस जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो खासकर लोग बिस्किट या फिर चिप्स वेफर्स भी लेना पसंद करते हैं, तो इनका कंजप्शन है वो भी बढ़ सकता है। तो ऐसे कंपनीज पे फोकस करें जिसकी इन फेज में काफी डिमांड हो और गवर्नमेंट उन्हें बूस्ट करे, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको फाइंड आउट करना चाहिए। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर ग्लोबल मार्केट्स के हालात, और उसके बाद निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये पिक्चर है कल का, यानी 23 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9,231 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 9,089। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन होते ही टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये बढ़ने लगा। जैसे ब्रेकआउट लेवल इसने ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट 9,272 ये अचीव हुआ। इस लेवल के पास काफी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था, और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सेकेंड टारगेट 9,322 एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव हुआ, और इसी लेवल के पास ये काफी देर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ है, और इसी लेवल के पास ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ है। तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल था हमारा कल का सेकेंड टारगेट का लेवल, तो काफी एक्यूरेट लेवल ये साबित हुए। और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 58 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 43,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। नासडैक कल निगेटिव यानी लाल निशान में बंद हुआ, हल्की सी कमजोरी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहां पर कल बंद होते हुए अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला, हरे निशान में बंद हुए। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है, जापानीज इंडेक्स भी 150 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। थोड़ा सा प्रेशर है इस समय एशियाई बाजारों में। डाउ फ्यूचर देखे तो 76 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है इस समय।
तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा ये जो फर्स्ट ट्रायल था वो फेल होने के वजह से यहाँ पर भी जैसे यूएस मार्केट का लाल निशान में बंद हुए, थोड़ा सा एशियाई बाजारों में भी पैनिक मूव देखने को मिल सकता है। चार्ट क्या कहता है, टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं ये देखते हैं। निफ्टी वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, देखते हैं वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का ये जो 38.2% का लेवल है 9390, यहाँ पर हो सकता है ये फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करे। हमने यहाँ पर देखा था 23.6% के पास इसने 2 हफ्ते इस लेवल को इसने पेनेट्रेट किया था, बाद में थर्ड वीक इसने इसको ब्रेक कर दिया था। अब ये 38.2% के लेवल के पास है, ये जो लेवल से 38.2%, 50% और ये 61.8%, ये ऐसे लेवल से यहाँ से एक टर्न मतलब जो ट्रेंड चल रहा है अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये हो सकता है फिर से एक बार यहाँ से हमें रिवर्स मूव दिखाई दे। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर काफी हावी हो जाता है, इसको पार नहीं कर पाता है, तो निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ पर आ सकता है। तो लेकिन तभी 8672 इसका सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और टूवर्ड्स फिर से एक बार साउथ की तरफ मूव कर सकता है। अगर 9390 को कंफर्टेबली आने वाले वीक में ये ब्रेक करता है तो ऊपर 10,000 के लेवल्स फिर से एक बार हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है, डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में अगर देखें तो ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था अभी 3 दिन पहले, ये गैप तो ये अभी 2 दिन में इसने इस गैप को फिल कर दिया फिर से एक बार। अगर आप इसका प्राइस एक्शन का मूव देखें तो ये देखिए यहाँ से जैसे ये बढ़ रहा है, यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे, ये देखिए। और फिर से अभी ये एक बार ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हो सकता है ये इसे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ आता है और ये जो स्विंग लो है इसे अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ये फिर से साउथ की तरफ मूव हो सकता है। अदरवाइज ये जो स्विंग हाई बना है, स्विंग हाई इसको कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ये हायर हाई हायर लोज का पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू हमें यहाँ से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे इस तरह से हायर हाई हायर लोज बनते हुए हमें दिखाई देता है। अगर स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो ये और आगे बढ़ सकता है, अगर ये स्विंग लो को ब्रेक करेगा नीचे आते वक्त तो ये और भी यहाँ से फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाएगा और तभी ये ऐसा डाउन ट्रेंड का पैटर्न शुरू होगा, लोअर हाइज लोअर लो। तो ये काफी बेसिक है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन का मूवमेंट। तो अभी फिलहाल ऊपर की तरफ 9390 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करता है तो ही निफ्टी 10,000 के आसपास हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यह डेली चार्ट का फिलहाल सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स देखे तो आज ब्रेकआउट लेवल, कल यहाँ पर जो निफ्टी इंडेक्स अटक रहा था ये देखिए आप, तो 2 दिन पहले यहाँ पर ये एक बार, ये दूसरी बार और अभी कल फिर से एक बार, तीसरी बार इस लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है यानी 9340 को अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल यानी 9380, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9409, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और कल का ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था ये हो सकता है आज से हमारे लिए ब्रेक डाउन लेवल, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 दिन पहले इसने अच्छा खासा इस लेवल को एज ए सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया था इस लेवल के पास, पास्ट में इसने रेजिस्टेंस का काम किया था और कल भी इसने सपोर्ट का काम किया था। ये कैंडल देख सकते हैं काफी लंबा टेल छोड़ दिया है, यानी यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिला था। तो ये लेवल जो है 9231 ये हो सकता है आज के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल, तो इस लेवल के नीचे अगर चला जाता है और सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9207, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9178, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर काफी गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, फिर से अगर ऊपर आता है और ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बनाए, अदरवाइज वेट करना काफी जरूरी होगा क्योंकि यहाँ से
ये जो मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है ये कहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। अदरवाइज ये लेवल्स ब्रेक डाउन के लिए 9,231 और ब्रेकआउट के लिए 9,340। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।